हमारे देश में ठंडा का मतलब कोका कोला बता दिया जाता है, लेकिन ठंडा का मतलब नारियल पानी होता है, ठंडा का मतलब जलजीरा होता है, ठंडा का मतलब जीरा सत्तू होता है, ठंडा का मतलब जो है गुड़ गन्ने का जूस होता है, ये हमने बताया नहीं। भारत में लोग कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं जो पहले थी नहीं भारत में। इसका मूल कारण है विदेशी लाइफ स्टाइल, विदेशी खान पान और विदेशी तरीका। हमारे देश में कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, और मीठा का मतलब चॉकलेट, मीठा का मतलब गुड़ नहीं। नतीजा यह है हमें हर विदेशी चीज अच्छी लग रही है, अपनी भारत की चीज बुरी लग रही है, और हम धीरे धीरे बीमारियों के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहे कि कपालभाति अनुलोम उद्गीत करने से, भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिवेंशन पे काम ही नहीं हो रहा, केवल क्योर पे हो रहा है। बीमारियां क्यों आती हैं, बीमारियां ना आए इस पे काम नहीं हो रहा है। हाँ, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज होना चाहिए, उसके लिए हम एम्स बनाते चले जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहे कि हवन करने से क्या लाभ होता है। हम प्राइमरी के सिलेबस में, अपने जूनियर के सिलेबस में बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे कि सूर्य नमस्कार का क्या लाभ होता है और जिम जाने से क्या नुकसान होता है। नदियों में स्नान करना हम भूल गए। नदियों में जब हम स्नान करते हैं, हमारा आधा शरीर पानी के अंदर होता है, आधा बाहर आता है। जब सूर्य की रोशनी आती है तो वहां कुछ इस तरीके के डेवलप होता है कि आपका कंप्लीट बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स उसके निकल जाते हैं। हमने नदियों में स्नान करना बंद कर दिया। सूर्य को जल देने से कितने लाभ होते हैं हमने स्कूलों में बताया नहीं, बच्चों को पता ही नहीं। सूर्यास्त के पहले भोजन से क्या लाभ होता है और देर रात भोजन से क्या नुकसान होता है हमने स्कूल में पढ़ाया नहीं। सुबह दो बार भोजन करने से क्या लाभ होता है और चार बार भोजन करने से क्या नुकसान होता है हमने स्कूल में पढ़ाया नहीं। माला जप करने से क्या लाभ होता है, ध्यान करने से क्या लाभ होता है, ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है, भ्रामरी करने से क्या लाभ होता है हमने बताया नहीं। सुबह क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हमने स्कूल में डाला नहीं। अल्टीमेटली हर वो चीज अच्छी लग रही है। सुबह नंगे पांव वॉक करने से, नंगे पांव टहलने से क्या लाभ होता है, जब मिट्टी टच होती है हमारे पैर में उससे क्या क्या लाभ होता है हमने बताया नहीं। अष्टांग योग क्या होता है हमने सिलेबस में डाला ही नहीं। हाँ, विदेशी कैसे वॉक करते हैं, किस तरीके से हाफ पैंट पहन के, जूता मोजा पहन के वॉक करते हैं हम उसकी नकल कर रहे हैं। विदेशी कैसे ट्रैक सूट पहन के वॉक करते हैं, चश्मा लगा के वॉक करते हैं हम उसकी नकल कर रहे हैं। विदेशी कैसे जिम में जाते हम उसकी नकल कर रहे हैं। फिल्मों में कहीं सूर्य नमस्कार तो दिखाया नहीं जाता, दंड बैठक दिखाया नहीं जाता, उठक बैठक दिखाया नहीं जाता, सूर्य को जल दिखाया नहीं जाता। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, बस जिम जाके बॉडी बना रहे बढ़िया, हमारे बच्चे वही सीखते जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, जूता पहन के वॉक करने जा रहे हैं। जूता पहन के वॉक करने से नुकसान उल्टा होता है, हमारी शरीर पृथ्वी से टच नहीं हो पा रही, हमारा जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है शरीर में वो जीरो नहीं हो पा रहा है। कितनी सारी अनिद्रा की शिकायतें आ रही है, टेंशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने स्कूलों में डाला ही नहीं। याद रखिए, आधी बीमारियों की जड़ जिम है। क्यों? क्योंकि वहां फ्रेश एयर आती नहीं है, कमरा बंद होता है, अंदर एसी चलता है, अंदर ही आपका पसीना निकलता है, अंदर सूखता रहता है। तो सूर्य नमस्कार प्रमोट नहीं हो रहा है, हाँ जिम खुलते चले जा रहे। जबकि आप सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका स्वेटिंग भी होती रहती है, सीधे आपको विटामिन डी भी मिलता रहता है, सूर्य की रोशनी भी मिलती रहती है। आखिर फैक्ट्री हम खोलने का लाइसेंस दे रहे, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा, मन पे क्या इंपैक्ट होगा, उसका हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते, मेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते। तो कुछ भी हम लाइसेंस दे रहे हैं और बनते चले जा रहे हैं। ये जो विदेशी शिक्षा है ना और विदेशी चिकित्सा व्यवस्था, यही हमारे भारत को बर्बाद कर रही है ना। हम आहार चिकित्सा सिखा रहे हैं बच्चों को, ना प्राणायाम सिखा रहे हैं, ना अष्टांग योग सिखा रहे हैं, ना नेचुरोपैथी सिखा रहे हैं, ना भारत की संस्कृति के बारे में हम सिखा ही नहीं रहे। और ये जो एलोपैथिक सिस्टम है ये क्योर करता है, ये बीमारी होने पे इलाज करता है, प्रिवेंशन नहीं करता। जबकि जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था है, योग प्राणायाम नेचुरोपैथी आयुर्वेद, ये प्रिवेंशन करता है। एलोपैथिक सिस्टम जो है, जो आपकी सिंथेटिक ड्रग है, वो क्योर करती है, प्रिवेंट नहीं करती, बीमारी को पहले से नहीं रोकती है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, प्रत्येक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है इसका कोटा फिक्स करिए कि 50% एलोपैथिक डॉक्टर होंगे और 50% डॉक्टर आयुर्वेद के होंगे, नेचुरोपैथी के होंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के होंगे, आहार चिकित्सा करने वाले होंगे, एक्यूप्रेशर चिकित्सा करने वाले होंगे, क्योंकि ये इससे आपकी प्रिवेंशन होगा। अब समय आ गया है कि भारत एक भारतीय चिकित्सा संहिता बनाई जाए, एक भारतीय स्वास्थ्य संहिता बनाई जाए और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस पे काम किया जाए। हमारे वेदों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, हमारे पुराणों में बहुत सारी बातें लिखी हैं,
और अलग अलग हमारे ऋषियों मनीषियों ने बहुत सारी बातें लिखी। ट्रेडिशनल जो हमारा भारतीय चिकित्सा सिस्टम था उसको पहले पढ़ाया जाए, नाड़ी चिकित्सा को पढ़ाया जाए, योग प्राणायाम को सिखाया जाए, आहार चिकित्सा को पढ़ाया जाए, ये फर्स्ट ईयर में सबके लिए कॉमन होना चाहिए। डॉक्टर पहले ये तो सीख ले कि जो बीमारी आती है उसकी शुरुआत कहां से होती है, ये वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, इसको पहले डॉक्टर तो समझ ले। और दूसरा जो आयुष्मान योजना है ये पूरी तरीके से केवल और केवल आयुष पे लागू होनी चाहिए। हो क्या रहा है, नाम है इसका आयुष्मान भारत कार्ड जो बनता है आयुष्मान भारत, लेकिन इससे हम आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में इलाज ही नहीं करा सकते, ये केवल और केवल सिंथेटिक ड्रग से इलाज कराने पे काम करती है, एलोपैथ पे काम करती है, इसको बंद करना पड़ेगा। अरे नाम इसका आयुष्मान भारत है, तो भारत की अगर आयुष को प्रमोट करना है तो आयुष्मान कार्ड केवल और केवल आयुष के लिए ही यूज होना चाहिए, इसको एलोपैथी पे रोक लगाना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तभी हो सकता है जब भारत की चिकित्सा व्यवस्था प्रायोरिटी हो। जो मेडिकल का कोर्स है इसके फर्स्ट ईयर में कॉमन सबको किया जाए, बाद में उसको चाहे MBBS करना है, BHMS करना है, BAMS करना है, यूनानी करना, होम्योपैथी करना, फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होना चाहिए और फर्स्ट ईयर में सबको भारतीय जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको पढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर में सबको जो भी डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे वो एलोपैथी का डॉक्टर बनना चाहता है या आयुर्वेद का या होम्योपैथी को, फर्स्ट ईयर में सबको महर्षि चरक को पढ़ाया जाए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाया जाए, आचार्य भाव प्रकाश को पढ़ाया जाए, महर्षि शारंगधर को पढ़ाया जाए, महर्षि माधवकर को पढ़ाया जाए, महर्षि वाग्भट को पढ़ाया जाए, महर्षि पतंजलि को पढ़ाया जाए, इन्होंने जो रिसर्च किया उसको सिखाया जाए। प्रत्येक स्कूलों में एक योग मित्र नियुक्त किया जाए, जैसे शिक्षा मित्र नियुक्त होते हैं ना, ऐसे प्रत्येक स्कूल में एक योग मित्र हो, नहीं प्रत्येक स्कूल में तो प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक वार्ड में एक योग मित्र हो जो सामूहिक रूप से सबको योग कराए, योग सिखाए। जैसे ठंडा का मतलब कोका कोला हमने दिमाग में डाल दिया है, वैसे इलाज का मतलब एलोपैथिक दवाई, इलाज का मतलब सिंथेटिक ड्रग हो चुका है, इलाज का मतलब प्राकृतिक चिकित्सा भी हो सकती है, इलाज का मतलब योग प्राणायाम भी तो हो सकता है, इलाज का मतलब आहार चिकित्सा भी तो हो सकती है, इलाज का मतलब नेचुरोपैथी भी हो सकती है, इलाज का मतलब ये थोड़ी केवल सिंथेटिक दवाइयां खा लो। इस तरीके से अंग्रेजों ने अपना एलोपैथ को प्रमोट किया कि भारतीय चिकित्सा बिल्कुल नीचे चली गई। चलिए अभी कम से कम आयुष मंत्रालय बन गया, नहीं तो पहले तो और बुरा हाल था, लेकिन आज भी जो हेल्थ का बजट है ना, 1,00,000 करोड़ का अगर हेल्थ का बजट है तो मुश्किल से 5,000 रुपए आयुष पे खर्च हो रहा है। दुर्भाग्य आप देखिए कि भारत में महर्षि पतंजलि, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, भाव प्रकाश, सारंगधर के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ये थे, लेकिन उनके नाम पे भारत में हॉस्पिटल नहीं है, उनके नाम पे भारत में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, इनके नाम पे भारत में कोई सड़कें नहीं है, इनके नाम पे भारत में कोई जिला नहीं है, जानता ही कोई नहीं है। अल्टीमेटली जितनी बीमारियां आ रही हैं ये सब लाइफस्टाइल के कारण आ रही हैं, फूड हैबिट के कारण आ रही हैं, हम गलत खा रहे हैं और गलत हमारी लाइफस्टाइल हो रही है। तो उस वो क्या जीवन पद्धति होनी चाहिए सिखाना पड़ेगा। और जो भारतीय जीवन पद्धति रही है पहले, पसीना निकालना, स्वेटिंग करना, धूप में टहलना, धूप में जाना, थोड़ा हार्डवर्क करना, इसको फिर से प्रमोट किया जाए। हाँ, अगर इसके जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के जरिए इलाज नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, मैं एलोपैथ का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसको भी रखना चाहिए, मैं उसको खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। 95% बजट आज भी एलोपैथ पे जा रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। वास्तव में एक हमें सरकार को प्रमोट करना पड़ेगा, इलाज का मतलब आयुर्वेद, इलाज का मतलब नेचुरोपैथी, इलाज का मतलब प्राकृतिक चिकित्सा, इलाज का मतलब आहार चिकित्सा। लेकिन जो ये हो गया, जैसे ठंडा का मतलब कोका कोला हो गया है, ऐसे डॉक्टर का मतलब MBBS हो गया है और दवा का मतलब सिंथेटिक ड्रग हो गई है, इस सिस्टम को सरकार को ही रोकना पड़ेगा, समाज के जागने से कुछ नहीं होगा।